और दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th का एक्सरसाइज 20C का क्वेश्चन नंबर 11 से करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख रहे थे, आप लोग नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या कह रहा है कि लाइन का इक्वेशन निकालिए जो कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है? 120 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, लिखेंगे गिवन, लिखेंगे पासिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे? पासिंग पॉइंट जो है क्या है? ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब हो गया 0.0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0.0 होता है, यानी कि x1, y1 इसका वैल्यू उन्होंने क्या दिया गया? 0.0 दिया गया। ओके, एंड एंगल, एंगल कितना दिया गया? 120 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना दिया गया? 120 डिग्री दिया गया। ओके, तो हम जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा होता है। यहाँ से देखिए m इक्वल टू कितना हो जाएगा? tan थीटा। स्लोप निकालने के लिए क्या होता है? m इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, तो m इक्वल टू हो जाएगा tan 120 डिग्री। ओके, आगे देखिए, अब tan 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो लिख सकते हैं tan 90 डिग्री आप प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री आप प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा होता है। तो हो जाएगा एम इक्वल टू माइनस कॉट थीटा है ये, देखिए 90 प्लस थीटा यानी कि कॉट 30 डिग्री विथ नेगेटिव साइन हो जाएगा। एम इक्वल टू देखिए टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो कॉट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है? कॉट 30 इक्वल टू कितना होता है? रूट अंडर 3 होता है। ओके, आगे देखिए, अब देखिए हम लोग इसका लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को स्लोप पता चल गया है और जो है एक पॉइंट पासिंग पॉइंट भी हम लोग को पता है। तो लिखेंगे देयर फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या लिखेंगे? देयर फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? ये y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1 पुट कीजिए इसमें, तो हो जाएगा y-y1 क्या है? देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू है 0, y1 का भी वैल्यू क्या है? 0 है। x1 y1 दोनों क्या है? 0 है। तो y-0 इक्वल टू m यानी कि -√3 और x माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y-0 है, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा √3x। ओके, अब पहले क्या कीजिए, x को यहाँ पर लिख लीजिए, तो ये फाइनली हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सॉरी देखिए ये क्या है, -√3x कितना हो जाएगा? -√3x हो जाएगा। तो हम ऐसे लिखेंगे y+√3x इक्वल टू 0। तो इसको y+√3x लिखिए, √3x+y लिखिए इक्वल टू 0। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। देखिए यहाँ पे y में 0 गया तो y हो गया इक्वल टू -√3 को x मल्टीप्लाई करेंगे तो -√3x, इसको लेफ्ट में ले तो y+√3x इक्वल टू 0, इसको √3x+y इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यही हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या कह रहा है? लाइन का इक्वेशन निकालिए विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 5 ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए इंटरसेप्ट मतलब क्या हो गया? कट करना, ठीक है। क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालिए विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट 5 ऑन एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? 5 पे कट कर रहा है, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस के साथ एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी कि ये स्लोप का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे देखिए गिवन देखिए एक्स इंटरसेप्ट, क्या लिखेंगे? एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया गया? एक्स इंटरसेप्ट दिया गया 5 दिया गया। तो एक्स इंटरसेप्ट 5 दिया गया मतलब एक्स एक्स यदि 5 पे कट करा तो पॉइंट कितना हो जाएगा बताइए? पॉइंट हो जाएगा एक्स एक्स क्या, तो वाई कोऑर्डिनेट 0,
यानी कि 5 कॉमा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस कहाँ पे कट कर रहा है, 5 इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, यानी कि 5 यूनिट्स पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट कितना हो जाएगा, 5, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो यह हम लोग क्या हो जाएगा, पासिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट, यानी कि एक्स वन कॉमा वाई वन इसका वैल्यू है हम लोगों को 5, 0 है। ओके, एंड देखिए, एंड थीटा, थीटा का वैल्यू कितना दिया गया, 60 डिग्री दिया गया है। तो लिखेंगे देयरफॉर एम इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, एम इक्वल टू होता है टेन थीटा, यानी कि एम इक्वल टू हो जाएगा टेन 60। और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 का वैल्यू होता है √3। ओके, अब देखिए हम लोग को पासिंग पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए तो एम, देखिए सॉरी वाई माइनस वाई वन, तो ये वाई माइनस वाई वन एक्स वन वाई वन यानी कि 0 इक्वल टू एम यानी कि √3 एक्स माइनस एक्स वन। तो एक्स वन का वैल्यू कितना है, 5। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, देखिए वाई इक्वल टू हो जाएगा ये √3x माइनस ये हो जाएगा 5√3। एक्स वाले यहाँ पॉजिटिव लिखिए तो इसको उधर ले जाइए, ये हो जाएगा हम लोगों को ये √3x माइनस 5√3, ये प्लस वाई उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 0। इसको सीधा करके लिख लीजिए, √3x हो जाएगा, ये हो जाएगा √3x माइनस वाई और ये हो जाएगा माइनस 5√3 इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना इसका आंसर आया, देखिए √3x माइनस वाई माइनस 5√3 इक्वल टू 0। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान होते हैं, इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, क्या कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स P4, -5। क्या कह रहा है, जो पास कहाँ से कर रहा है, पॉइंट P4, -5 से पास कर रहा है। और वही लाइन कह रहा है कि एंड पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A इतना एंड B इतना। क्या कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालिए जो पास कहाँ से कर रहा है, 4, -5 से, और लाइन जो है सो पैरेलल किसके है, एक लाइन सेगमेंट है A 3, 7 और B -2, 4 से जो पास करेगा, यानी कि AB के क्या है, पैरेलल है। अब दोस्तों देखिए कि कोई लाइन मान लीजिए, सपोज दैट ये लाइन है, जो मान लीजिए सपोज ये पॉइंट P है, ये किससे पास कर रहा है, 4, 5 से, 4, -5 से, और ये लाइन जो है सो मतलब AB है, ये AB के पैरेलल है। AB है कितना, -2, 4 और ये सॉरी ए है हम लोगों को कितना, ए है हम लोगों को 3, 7 और बी है कितना, -2, 4। अब दोस्तों देखिए कि ये लाइन जो है 4, 5 से पास कर रहा है और साथ में इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या पता होना चाहिए, पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए। यदि हम लोग स्लोप और पासिंग पॉइंट पता रहेगा तो हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ तो हम लोग को तो स्लोप तो दिया नहीं गया है, लेकिन हम लोग को दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है कि इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि लाइन जब पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इसका स्लोप तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं टू पॉइंट फॉर्म से। यहाँ पे देखिए ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, जब हम लोग दो पॉइंट दिया रहेगा स्लोप तो हम लोग निकाल सकते हैं वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन से। इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। यहाँ पर स्लोप का वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इस लाइन को मान लेते हैं सपोज दैट एल वन मान लेते हैं, लाइन वन है, लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ एल वन तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि हम लोग को पासिंग पॉइंट कितना दिया गया, यहाँ पे लिखेंगे पासिंग पॉइंट हम लोग कितना दिया गया, 4, -5 दिया गया। ओके, तो ये है एक्स वन का वैल्यू और ये है वाई वन का वैल्यू, यहाँ पुट कर दीजिए, ये वाई माइनस
वाई वन, तो वाई वन कितना है देखिए एक्स वन वाई वन, तो वाई वन का वैल्यू कितना है माइनस फाइव, यहाँ ब्रैकेट यूज करेंगे, इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन पॉजिटिव है तो यहाँ ब्रैकेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए वाई माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू क्या है माइनस फाइव, तो यहाँ ब्रैकेट दिए हैं एम एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा वाई प्लस फाइव इक्वल टू एम एक्स माइनस फोर, इसको हम लोग क्या करें इक्वेशन वन मान लेंगे। अब दोस्तों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, m पता होना चाहिए, m यदि पता हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये m का वैल्यू हम लोग को आएगा यहाँ से ab से, लिखेंगे यहाँ पे कि स्लोप ऑफ ab, स्लोप ऑफ ab, ab का स्लोप कैसे निकालेंगे, ये y2 टू माइनस वाई वन अपॉन में x2 टू माइनस एक्स वन। जब हम लोगों को दो पॉइंट दिया जाएगा स्लोप निकालने का यही फॉर्मूला होता है, यानी कि m इक्वल टू हो जाएगा वाई टू, देखिए x1, y1, x2, y2, ये 4 माइनस 7 अपॉन में, देखिए x1, y1, x2, y2, 4 माइनस 7 अपॉन में x2, x2 है हम लोगों को माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। ओके तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस 3 अपॉन में हो जाएगा माइनस 5, ये हम लोग कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, m इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोगों को 3 अपॉन 5। ओके अब ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, इसीलिए इसका स्लोप क्या हो जाएगा आपस में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। देखिए आगे, अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि सिंस लाइन L1, सिंस लाइन L1 एंड AB आर पैरेलल देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल, दोनों लाइन क्या है एक दूसरे के पैरेलल है इसीलिए दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होगा। लिखेंगे लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। अब देखिए यहाँ पे तो स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ AB कितना निकला है, AB का स्लोप हम लोग कितना निकला है, AB का स्लोप निकला है 3 अपॉन 5, तो यानी कि L1 का स्लोप हम लोग कितना निकल गया 3 अपॉन 5। अब यहाँ पुट कर दीजिए, देखिए इक्वेशन वन में क्या है, इक्वेशन वन क्या है वाई प्लस फाइव इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस फोर, ये क्या है स्लोप, एम क्या होता है स्लोप होता है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग, ये किसका वैल्यू है एम का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 5, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या है ये वाई प्लस फाइव इक्वल टू एम एक्स माइनस फोर, यहाँ पुट कीजिए तो ये हो जाएगा ये y प्लस फाइव इक्वल टू थ्री अपॉन में फाइव, ये हो जाए एक्स माइनस फोर। ओके और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर फाइव से इसका मल्टीप्लाई ये हो जाएगा फाइव वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व। ओके अब यहाँ पे क्या कीजिए x वाले ऊपर लिखिए थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व, इसको एजिटी लिख दिए, इसको उधर शिफ्ट कीजिए तो हो जाएगा माइनस फाइव वाई माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा हम लोग को थ्री एक्स, देखिए थ्री एक्स ये हो जाएगा, देखिए माइनस फाइव वाई पहले एक्स वाले लिखे फिर वाई वाला, अब माइनस ट्वेल्व अब माइनस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन इक्वल टू जीरो। तो ये दोस्तों लाइन का इक्वेशन हो गया। ओके ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी दोस्तों एक मिनट देखिए, यहाँ पे देखिए माइनस ट्वेल्व अब माइनस ट्वेंटी फाइव, इसको आप लोग सही कर लीजिए कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा दोस्तों, ये मिस्टेक से लिखा गया यहाँ पे, देखिए माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व कितना माइनस ट्वेंटी सेवन हो जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या कह रहा है कि इक्वेशन लाइन के इक्वेशन निकालिए जो पास कर रहा है कहाँ से, पॉइंट पी माइनस थ्री कॉमा फाइव से, कह रहा है कि लाइन के इक्वेशन निकालिए जो पास कहाँ से कर रहा है माइनस थ्री कॉमा फाइव से, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए दिया गया टू कॉमा फाइव एंड बी दिया गया है माइनस थ्री कॉमा सिक्स। क्या कर रहा है दोस्तों कि एक लाइन है जो पास कर रहा है कितना माइनस थ्री कॉमा फाइव से, मान लीजिए एक लाइन है ये मान लीजिए पास कर रहा है कितना से माइनस थ्री कॉमा फाइव से, रेंडमली मान लीजिए कोई पॉइंट ले लिए इसे क्या कर रहा है पास कर रहा है, और यही लाइन कह रहा है कि परपेंडिकुलर किससे है, जो लाइन जा रहा है किससे ए बी से, तो मान लीजिए लाइन जो है सो ए बी इस तरह से जा रहा है
कि ए है और ये बी है, इसके क्या है ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो ए का कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिया गया है ये 2.5 और बी का दिया गया है -3.6। ओके, अब दोस्त देखिए कि एक लाइन है जो पास कर रहा है किससे, -3.5 से, और ये लाइन जो है परपेंडिकुलर है इसके। तो इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा बताइए। इस लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग को पॉइंट पता होना चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। तो पॉइंट तो हम लोग को पता है, पासिंग पॉइंट तो पता है कितना है, -3.5 है, लेकिन इसका स्लोप नहीं पता है। तो स्लोप हम लोग फाइंड कर लेंगे इससे, क्योंकि ये लाइन जो है सर इसका परपेंडिकुलर, ये लाइन इस पर क्या परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब लाइन परपेंडिकुलर होता है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है, किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। यानी कि इसका स्लोप और इसका स्लोप जो होगा, इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा क्या हो जाएगा, -1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से यदि इसका स्लोप यदि पता है तो उसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। इसका स्लोप यदि पता हो जाएगा तो दिस इंटू दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको मान लेते हैं सपोज दैट लाइन वन मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन L1, तो क्या हो जाएगा, y-y1 इक्वल टू m, ये x-x1 हो जाएगा। और यहाँ पर पासिंग पॉइंट देखिए, पासिंग पॉइंट कितना दिया गया है, पासिंग पॉइंट हम लोगों को दिया गया -3.5। तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, वैल्यू से पुट कीजिए। तो देखिए ये हो जाएगा y-y1 का वैल्यू +5 है, तो ब्रैकेट देने कोई आवश्यकता नहीं, इक्वल टू m, ये x माइनस x1, x1 का वैल्यू है नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देंगे यहाँ पे, ताकि साइन चेंज होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हो जाएगा y-5 इक्वल टू m, ये हो जाएगा x-, हो जाएगा +3। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा y-5 इक्वल टू mx, और ये सॉरी ये हो जाएगा m इंटू x+3। ये हो जाएगा, इसी को यहाँ पे क्या कीजिए, इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे m का वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन लाइन 2 से, उसको पुट कर देंगे, यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग कि स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, दो पॉइंट दिया गया, स्लोप कैसे निकालेंगे, y2-y1 अपॉन में x2-x1। यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, देखिए ए बी में ए x1 y1, ये x2 y2, ये हो जाएगा देखिए x1 y1, ये x2 ये y2, ये हो जाएगा 6-5, ये हो जाएगा 6-5 अपॉन में, ये हो जाएगा -3-2, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा -5। यानी कि ए बी का स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू हो जाएगा -1/5। ओके, आगे देखिए, देखिए यहाँ पे लिखे हैं सिंस L1 लाइन, यानी कि लाइन L1 एंड AB आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर स्लोप ऑफ L1 इनटू स्लोप ऑफ AB इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ L1 तो निकालना है इनटू स्लोप ऑफ AB, ये -1/5 इक्वल टू ये -1 हो जाएगा। ओके, यहाँ से दोस्तों देखिए, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, तो एज इट इज इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल होके ऐसे हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि स्लोप ऑफ L1 कितना मिला हम लोग को, 5 मिल जाएगा। स्लोप ऑफ L1 कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब इसे पुट कर दीजिए, तो स्लोप ऑफ L1 क्या है, यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ L1 क्या है, यहाँ पे m है, यानी कि m का वैल्यू हम लोग कितना मिल गया, 5 मिल गया, m इक्वल टू 5। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में, अब देखिए इसके बाद लिखे हैं, नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 1 था y-5 इक्वल टू m इंटू x+3। यहाँ पुट कर दीजिए, तो y-5 इक्वल टू m का जगह 5 और ये हो जाएगा हम लोग को x+3। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y-5 इक्वल टू 5x+15। x वाले टर्म को पर लिख लीजिए, तो 5x+15 इस दोनों को उधर ले, तो हो जाएगा -y, अब -, हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 5x, ये -y, अब 15+5 कितना हो जाएगा +20 इक्वल टू 0। ये दोस्तों इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5x-y +20 इक्वल टू 0।
आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट के जरिए पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीके यदि आप लोग पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।